हाय, पल्लवी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ पालक पनीर रेसिपी। तो इसके लिए हमको चाहिए 1 बंच पालक, 150 ग्राम पनीर, 1 टमाटर, 5-6 लहसुन की कलियाँ, अदरक, मिर्च, तेल, प्याज, नमक, क्रीम। ये आप क्रीम नहीं तो दूध के ऊपर की मलाई ले सकते हैं। तिल, और मैंने ये लिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और एक गरम मसाला। तो सबसे पहले हम पालक को पानी में डाल के उबाल के लेंगे। इसके लिए मैंने इधर पहले से ही पानी उबालने को रखा है। अब मैं इसमें ये पालक को डाल के उबालूंगी। मैंने इस पालक को धो के अच्छी तरह लिया है। इसको ज्यादा नहीं उबालना है क्योंकि हमने इसको ज्यादा उबाला तो इसका कलर चेंज हो जाता है। अब मैं इस गैस को बंद करूंगी और इसको ठंडा होने दूंगी। तो मैंने पालक को निकाल के मिक्सर के जार में डाला है। मैं अब इसको पीस के लूंगी। मैंने इसको पीस के लिया है। अब मैं इसको एक बाउल में निकालूंगी। अब हमारी पालक की प्यूरी तैयार है। अब मैं कढ़ाई में बाकी के मसालों को डाल के रोस्ट करके लूंगी। तो मैंने कढ़ाई रखी है। अब मैं इसमें थोड़ा तेल डालूंगी। लहसुन, अदरक, प्याज इसको डाल के अच्छी तरह भूनेंगे। अब हम इसमें तिल भी डालेंगे। और टमाटर भी डालेंगे। हमको ये बहुत नहीं भूनना है क्योंकि हमको इसकी प्यूरी बनानी है, इसलिए इसको हमको हल्का ही भूनना है। ये बहुत ही झटपट बन जाता है, इसके लिए हमको बहुत टाइम नहीं लगता। हमको सिर्फ टमाटर थोड़ा पकने तक ही भूनना है। अभी ये थोड़ा पक गया है। अब मैं गैस की फ्लेम बंद करूंगी और इसको थोड़ा ठंडा करके लूंगी। और ठंडा करने के बाद मैं इसकी प्यूरी बनाऊंगी। तो चलिए इसको ठंडा करके मैं इसकी प्यूरी बनाती हूँ। मैंने टमाटो, प्याज और सभी की प्यूरी बना के लिए। अब चलिए हम पालक पनीर कैसे बनाते वो दिखाऊंगी। तो मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें तेल डालेंगे।
पत्ता, तेल को गर्म होने देंगे। ये जो हमने प्यूरी बनाई थी ये इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरह पकने देंगे। मैंने इसमें खड़े मसाले नहीं डाले क्योंकि मैं इधर गरम मसाले का यूज कर रही हूँ। अगर आप गरम मसाले का यूज नहीं कर रहे तो आप इसमें दालचीनी लवंग डाल सकते हैं। अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ये चारों एक साथ डालूंगी। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको 2 मिनट रखूंगी। अब ये अच्छी तरह पक चुका है। अब मैं इसमें ये पालक का पेस्ट डालूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करके लूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके रहेंगे। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, इसको भी अच्छी तरह मिला के लूंगी। अभी ये तेल छोड़ने लगा है। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा क्रीम डालूंगी। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके लूंगी। बहुत ज्यादा गरम, हमने गैस की फ्लेम थोड़ी हाई रखी तो ये हमने जो क्रीम डाला है ये फट जाएगी, इसलिए गैस की फ्लेम स्लो ही रख के इसको मिक्स करवाएं। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हमारा ग्रेवी भी अच्छी तरह पक चुकी है। मैंने मिक्सर में जो हमने लगाया था उसमें से थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करके रखा था, तो मैं ये अभी इसमें मिक्स करूंगी और इसको ढक कर 2 मिनट पकने दूंगी। ये अच्छी तरह पक चुका है। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। और इसको 1 मिनट के लिए ही गैस पे रखेंगे। देखिए हमारा पालक पनीर तैयार हुआ है। ये मैंने अलग तरीके से बनाया है। ऐसे तो आपको पालक पनीर की सब्जी बहुत अलग 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 टाइप्स के है, इसमें से मैं तो ऐसे बनाती हूँ और उसको बनाने को बहुत टाइम भी नहीं लगता है। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मैं अभी इसको एक बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी पालक पनीर रेसिपी तैयार है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी नई नई रेसिपी देखने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइए।
थैंक यू।